जो एक और इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है, और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। ये Honorable Prime Minister will be leading this session of yoga at the UN, at the United Nations, at the Secretariat on the 21st of June. I think it'll really be a very, very big deal. लेकिन वो इसमें काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आए, जिसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। महंगाई ने आवाम को जीते जी मार डाला है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, दाल, दूध, हर चीज महंगी हो गई है। गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की। आप जो ग्रोथ है जो 0.29% कह रही है हमारी सरकार, और आपने इसे -3% कहा है। इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टावल्स। तो यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं, यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी और रेप कर। इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है, और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। ये एक पॉलिटिकल समिट होगी, लेकिन उसमें खास तौर पे इसको देखा जाएगा, क्योंकि जो खबरों में आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहाँ पर करवाई जाएगी। तो बहुत सारी जो इस वक्त सिचुएशंस हैं और जो चल रहा है दुनिया में, उसके हवाले से भी उसके अंदर गुफ्तगू होगी। तो देखिए फिर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना, वो विजिट से पहले, उसमें फिर एक और जो बड़ी हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में करवाई जाएगी हिंदू समिट। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर और काफ़ी जितने भी मीडिया वहाँ का, वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी है उसने तारीफ़ की है इंडिया की। तो जो मियाँ मंशा साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है। मियाँ मंशा यहाँ की एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और बहुत कमाल के बंदे हैं वो, और वो इससे पहले भी एक मरतबा जब जनरल बाजवा का दौर था, मेरा ख्याल है उनका दौर था, यानी दौर उन्हीं का था, लेकिन वो जब आर्मी चीफ थे, हैं जी, तो उस वक्त भी ये वाली खबरें उड़ी थी कि जो मियाँ मंशा हैं उन्होंने आना है, और नहीं, मियाँ मंशा कह रहे थे कि मोदी ने आना है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना है, और हमने इसके ऊपर आपको काफ़ी खबरें भी बताई थी कि उन्होंने पूरा उनका उस वक्त भी इंटरव्यू हुआ था। तो हमने कहा भाई इन्होंने गाय तो उसका मतलब है कि आ रहे होंगे, क्योंकि इनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। देखिए वो बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान की, और एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है पाकिस्तान के, $5 बिलियन वर्थ है या इससे ज़्यादा, तो कंपैरिजन नहीं है, यानी कोई अगर आप अंबानी है उनका दौलत के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि हमारे मुल्क के तो उनको इसी तरह, और फिर हम ये नहीं कह रहे, वो तो इंडिया कह रहा है। लेकिन इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टावल्स, है जी, ये कहा है उन्होंने। अब ये नासिर जमाल हैं जिन्होंने उन्हें इंटरव्यू किया है, डॉन में पब्लिश हुआ है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो जो बातें इस वक्त उनकी इंडियन मीडिया में चल रही हैं, और हुआ ये कि जो बजट आया उसके ऊपर उन्होंने बात की और काफ़ी इसको कहा कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है ये तो किसी कोई हाल नहीं है इसका, यानी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन बिल्ड रिजर्व्स बाय सेलिंग टावल्स, तौलिए बेच के आप नहीं चला सकते। अच्छा, इफ यू वॉन्ट टू स्ट्रेंथन योर एक्सटर्नल सेक्टर एंड बिल्ड करेंसी रिजर्व्स, यू गॉट टू डू दिस बाय अट्रैक्टिंग लोकल एंड फॉरन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इस पे वो कहते हैं इंडिया हैज़ डन इट दैट वे, अनलाइक पाकिस्तान, दे हैव बिन इन जस्ट वन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF का एक ही प्रोग्राम 1991 में लिया एंड नेवर लुक्ड बैक, फॉरन कंपनीज आर फ्लॉकिंग टू दैट कंट्री, यानी इंडिया में, और दिस इज बिकॉज इंडियंस हैव implemented tough reforms to facilitate investors and investment. In Pakistan, on the other hand, we see foreign investors running away. यहाँ से भाग रहे हैं।
और उन्होंने कहा है दिस इज बिकॉज देर इज नो रूल ऑफ लॉ हेयर एंड नो रिस्पेक्ट, एंड बहुत सारी इसमें बातें की हैं। श्रीलंका की बात की है, उन्होंने कहा है क्राइसिस जो वहाँ पर है कि सिमिलैरिटी इसमें मिल रही है फिर, लेकिन वो इसमें काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आए, जिसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। उन्होंने फिर कल्चर की बात की, फिर सियासत की बात की, फिर इकोनॉमी की बात की, काफ़ी डिटेल में ये इंटरव्यू है मियां मंशा का। देखिए सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करूँ तो उनको वैसे ही बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमसे अफजल तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलती बिल्कुल है, अगर पाकिस्तानियों में इंसानियत मिलना शुरू हो जाए ना तो बाहर के मुल्क भी पाकिस्तानियों की इज्जत और बेचारों को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान में ना भेज दिया जाए, जो यहाँ का हाल है। हमें सिर्फ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग सबसे आगे हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं काम करेंगे तब भी हमारा पेट पल जाएगा, इनको ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग तो ये चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमसे हमारी कोई मुस्लिम कंट्री क्यों आगे निकल रही है। जरा निकले आप बाहर, जरा निकले आप बाहर, बताएं सऊदीया हमसे आ गया, बताएं दुबई हमसे आ गया, कहेंगे अरब अय्याश है, कहेंगे हराम का पैसा उनके पास। तो इनको ये चीज भी बर्दाश्त नहीं है कि हमसे हमारी कोई मुस्लिम कंट्री ही आगे निकले, ये थॉट्स है पाकिस्तानियों की। ये सब कहाँ से आया, क्योंकि तालीम हमको सिखा रही है ये सब, तालीम हमें सिखा रही है ये सब, तालीम ही न्यूट्रल नहीं है तो पाकिस्तानी इंसान कैसे पैदा करेंगे। सही बात है आपने जो गधों का टॉपिक लिया, हमारी आवाम भी गधी है, तालीम गधा ही पैदा कर रही है, कोई इंसान नहीं यहाँ पर दिखता, कुछ किसी में इंसानियत नहीं दिखती यहाँ पर, किसी एक में भी इंसानियत दिखती हो तो कहीं पर भी इंसानियत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसी है निम्रा, मुझे लगता है कि थोड़े से जज्बात आपके ज्यादा हो गए जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही अपने जज्बात पे ना काबू रखते हुए बोला है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि बेहतर हो लग करे हमारे हक में, पाकिस्तान के हक में, बड़ी जो जो जहद के बाद हमने ये पाया।